से कह भी सकते हैं कि आपने गलत किया, लेकिन नहीं, दो दिन पहले क्या हुआ इस पंचायत में, क्या हुआ, क्या हुआ इस पंचायत में, कहां सो गए थे तुम लोग? मैं यहां नहीं था, मैं बार बार यही कह रहा था अपनी नीयत नहीं बदलना। जिस वक्त उन लोगों को कुछ था उस वक्त किसी और को दिया, लेकिन आज उनसे छीन के फिर उन्हीं को दिया। इन्होंने हमारे जज्बात के साथ खेला, क्यों खेला हमारे जज्बात के साथ? इसीलिए हमने आप पे भरोसा किया था, लेकिन मेहराज साहब को हम कामयाब बनाएंगे, दिल से कामयाब बनाएंगे, हमारे घर के तमाम वोट कामयाब बनाएंगे, हम इनको दिल्ली भी भेजेंगे आने वाले वक्त में, हम तो आने वाले वक्त में हम इनको एमएलए का कैंडिडेट भी बनाएंगे। यस और मैं मेहराज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप इस गरीब पंचायत में आए जिनको हर वक्त सुनना पड़ता था, कोई किसी की बात नहीं सुनता था, किसी मंत्री के पास जाते थे, किसी लीडर के पास जाते थे, पहले वो रिश्वत मांगता था, लेकिन ये मेहराज साहब हैं, ये न किसी को खाने देंगे न खुद खाएंगे। हम वो इंकलाब लेने वाले हैं। अब जाग जाइए, हर नौजवान, हर बूढ़ा, हर आदमी जान जाए, जाग जाए कि आप हमें मेहराज साहब को साथ देना है और उनको कामयाब बनाना है और बना दे रहेंगे। जरूर भी जरूर मेरी बात गौर से सुनना, चाहे कोई खिलाफत करे, मैं बांगे तो हल कहता हूँ, सीना तान के बोलता हूँ कि आइए आप मैदान में मुकाबला करते हैं। कौन मुकाबला करेगा? ऐसा नहीं है अब कुछ नहीं चलने वाला, चोरी भी खत्म, डकैती भी खत्म, अब इनकलाब आगे रहेगा। इनकलाब, इनकलाब, मेहराज साहब बल्ले बल्ले, छा गया भाई छा गया, छा गया भाई छा गया, मेहराज साहब ही मेहराज साहब, मेहराज साहब ही मेहराज साहब। ये याद रखना मेरी बात, कंचा नाले से लेकर चंपल तक हम मेहराज साहब को कामयाब बना के रहेंगे, जरूर जरूर कामयाब बना के रहेंगे। बाकी वस्सलाम।